हेलो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है, नीचे जो सब्सक्राइब का लाल बटन है इसे जाके दबा दीजिए और उसके साथ में एक घंटा का सिंबल है उसे भी दबा दीजिए, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सीक्रेट ऑफ ऑल थिंग्स में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मैं आप सभी को बताने वाला हूँ टाइजन के बारे में। ये जो टॉपिक है ये हमारे टाइजन फैमिली में एक और मेंबर जुड़ने वाला है जिसका नाम है Z5। आपको तो पता ही होगा कि Z1, Z2, Z3 और Z4 भी आ चुके हैं और अभी जो अपकमिंग डिवाइस आ रहा है वो Z5 है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है Z4, Z3, Z1, Z2 के मुकाबले, क्योंकि इसका जो मेन हाईलाइट है कि इस पर टाइजन का 4.0 का अपडेट आएगा। रिसर्च करने के बाद मुझे ये सब पता चला है। इसका जो मेन स्पेसिफिकेशन है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, ये जो न्यूज़ है हमारे टाइजन Z5 के बारे में है। दोस्तों, इसको जो स्क्रीन साइज़ होगा वो होगा 5.5 इंचेस का और इस पे जो OS रनिंग होगा वो होगा टाइजन का 3.0, पर इससे ये अपडेट हो जाएगा 4.0 में, क्योंकि उस जो जिस वक्त ये लॉन्च होगा उसके कुछ दिन के बाद टाइजन 4.0 आ जाएगा और ये अपडेट हो जाएगा। इसका जो मेन हाईलाइट है वो है 13MP कैमरा, उसका पीछे वाला, और फ्रंट है 5MP कैमरा। दोस्तों इसका जो स्क्रीन साइज़ है वो है 5.5 इंच सुपर अमोलेड डिस्प्ले, क्वाड कोर का 1.3 GHz सीपीयू लगा होगा और ये माली 400MP2 GPU का है, और इसके जो इस फ़ोन के जो रैम होगी वो है 2 GB और इसका जो इंटरनल मेमोरी है वो है 16 GB और ये 128 GB तक सपोर्ट करेगा, और ये जो बैटरी लाइफ है वो है 3000 mAh की बैटरी, ये रिमूवेबल बैटरी है। दोस्तों, इसमें जो प्रोसेसर है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का ऑक्टोकोर प्रोसेसर है। ये 4G वोल्टी को सपोर्ट करेगा और ब्लूटूथ जो है इसका 4.1 शायद इंटरनेट साइट पे इसका 4.1 दिखा रहा है और किसी में 4.0 दिखा रहा है, और ये 3.mm ऑडियो जैक है इसमें और माइक्रो USB 2.0 है, और इसमें जो सेंसर लगाया होगा वो एक्सेलरोमीटर, ग्रेविटी सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और लाइट सेंसर है इसमें। दोस्तों, इस फ़ोन का जो प्राइस है वो 7000 से 8000 के अंदर होगा, पर इसका रेट बढ़ भी सकता है, पर ये तो हम नहीं कह सकते क्योंकि ये जो रिलीज़ होगा तब हमको पता चल जाएगा कि इसका प्राइस कितना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो नीचे जो लाइक बटन है उसे जाकर दबा दीजिए, और पसंद नहीं आया तो आप सभी को तो पता ही क्या करना है। तो दोस्तों, बाय।